तो अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जर्सी अनबॉक्सिंग इवेंट में विराट कोहली और आरसीबी की पूरी टीम ने चैंपियन महिला बेंगलुरु टीम के लिए किया कुछ ऐसा जिसे देखकर हर किसी का दिल गदगद हो गया। तो आखिर विराट कोहली और उनकी टीम ने ऐसा क्या कुछ स्मृति मंधाना, एलिस पेरी और सभी महिला खिलाड़ियों के लिए किया, जिसके बाद तो ये लम्हा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से बवाल मचा रहा है। जर्सी अनबॉक्सिंग इवेंट में कैसा रहा महिला खिलाड़ियों का जश्न मनाने का अंदाज, विराट कोहली और उनकी टीम वाले लम्हे की पूरी वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विमेन प्रीमियर लीग खत्म हो चुका है, इस लीग को इस बार नया चैंपियन भी मिल गया। आपको बता दें, बेंगलुरु की टीम ने स्मृति मंधाना की कप्तानी में फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर 17 साल बाद इतिहास रचते हुए WPL की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये लीग खत्म होने के बाद अब हर कोई IPL शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। IPL शुरू होने में केवल कुछ ही दिन और बचे हुए हैं। इस लीग का पहला मुकाबला सबसे पहले खतरनाक टीमों के बीच में होने वाला है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और RCB के बीच में। चेन्नई के मैदान पर शाम 8 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले ट्रॉफी की तलाश में मैदान पर उतरेगी, यानी दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद ही कांटे का होने वाला है। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। जहां RCB के पास विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसी, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। हर कोई ये मुकाबला देखने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है, दोनों टीमों के चाहने वाले फैंस भी। लेकिन आपको बता दें, IPL से पहले बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा इवेंट M चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में बेंगलुरु की महिला क्रिकेट टीम और मेंस क्रिकेट टीम दोनों उपलब्ध थे। बेंगलुरु की महिला क्रिकेट टीम के लिए विराट कोहली के साथ साथ उनकी पूरी पलटन महिला खिलाड़ियों के वेलकम में लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। उसी दरमियान स्मृति मंधाना से लेकर एलिस पेरी, यहां तक के ऋचा घोष और रेणुका सिंह ठाकुर के साथ साथ पूरी टीम ट्रॉफी के साथ मैदान में जबरदस्त एंट्री की। विराट कोहली की पूरी पलटन खिलाड़ियों के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। महिला खिलाड़ियों का एंट्री देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। स्मृति मंधाना से लेकर सभी खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ मैदान का चक्कर लगाए जा रहे थे और अपने फैंस को धन्यवाद कहे। यहाँ तक कि स्टेडियम में बैठे फैंस को इन सभी खिलाड़ियों ने गिफ्ट भी दिया। ये नजारा देखकर तो हर कोई खुशी से झूम उठा था, लेकिन विराट कोहली और उनकी टीम का ये लम्हा महिला खिलाड़ियों के लिए देखकर हर कोई दंग रह गया। सभी लोग अपना प्यार विराट कोहली पर लुटा रहे हैं। इस इवेंट में विराट काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, सभी खिलाड़ी मैदान में मौजूद थे। आज ही के दिन बेंगलुरु की टीम की जर्सी लॉन्च की गई। ये सब नजारा देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। बेंगलुरु के चाहने वाले फैंस के चेहरों पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस इवेंट में बेंगलुरु की महिला टीम ने आकर 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। क्रिकेट का यह नाम ही क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान और विरोधी टीमों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। वुमेन IPL 2024 में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार 2 मुकाबले में पेरी ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करके न केवल बेंगलुरु को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि अब वह बेंगलुरु को पहली बार IPL चैंपियन बनाने के बेहद करीब आ चुकी हैं। लेकिन शायद एलिस पेरी के जीवन का दूसरा पहलू आपको पता नहीं, जहां पति से उन्हें धोखा मिला। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में उन्होंने अपने हाथ आजमाए, हजारों मुश्किलों का सामना किया और आज पूरी दुनिया ने अपने नाम से शोहरत बटोर रही एलिस पेरी हर किसी के दिलों में राज करती हैं। और आज उनके जीवन से जुड़े हर एक दर्दनाक और सफल पहलू से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, एलिस पेरी, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में कौन है सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस टूर्नामेंट के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस और RCB एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरी थी। RCB ने इस मुकाबले को 5 रनों से जीत लिया और जीत में उनकी हीरो रही एलिस पेरी, जिन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली और पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा में छा गई। इसी के साथ बेंगलोर ने पहली बार WPL 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। खिताबी मुकाबले में उनकी भिड़ंत दिल्ली कैपिटल से होगी। जी हाँ, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 15 फरवरी को मुंबई इंडियंस और RCB एलिमिनेटर मुकाबले में आमने सामने थी। सिक्का उछला और बेंगलोर के पक्ष में गिरा। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि पहले खेलने उतरी इस टीम की शुरुआत काफी खराब रही। उन्होंने महज 49 रनों के स्कोर पर अपने 5 विकेट गवा दिए। इसके बाद स्टार प्लेयर्स एलिस पेरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 50 गेंदों में 66 रन बनाए, जिसकी बदौलत RCB ने MI के सामने 136 रनों का लक्ष्य रखा।
आखिर में मुंबई इंडियंस 130 रन बनाकर मुकाबला 5 रनों से हार गई, जिसमें एलिस पेरी ने सबसे बड़ा योगदान निभाया था और वह सबसे बड़ी हीरो बेंगलुरु की जीत में बनी। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर एलिस पेरी खूबसूरती के मामले में दुनिया के टॉप एथलीटों की लिस्ट में शुमार करती हैं। कमाई के मामले में भी वह दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं। एलिस पेरी इकलौती ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप दोनों में शिरकत की है। वह दो अलग अलग खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुत कम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक है। इनमें से एक बात समझ में आती है कि क्यों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों पर भरोसा कर सकता है। एलिस को ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण एथलीट में से एक माना जाता है और इसके पीछे की वजह है 2017 और 2019 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2020 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड जीतना और 2016-18-2020 में तीन बार ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर या कहें बेलिंडा क्लार्क अवार्ड प्राप्त करना शामिल है। एलिस पेरी वर्तमान में दुनिया में शीर्ष क्रम की महिला ऑलराउंडर भी हैं। सबसे खास बात तो यह है कि एलिस पेरी हर उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रही हैं जिसने 6 बार यानी 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में T20 विश्व कप खिताब जीता था। एलिस पेरी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 बार महिला T20 विश्व कप में भी हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं, एलिस पेरी विश्व की चैंपियन टीम की सदस्य 8 बार रही हैं। एलिस पेरी अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर के दौरान 8 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, 6 बार T20 वर्ल्ड कप और इसके अलावा 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जब 2013 और 2022 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था तब इन दोनों ही टीमों का हिस्सा पेरी थी। साल 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का भी एलिस पेरी हिस्सा थी। बता दें, एलिस पेरी ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल में भी ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन किया है। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और राष्ट्रीय फुटबॉल टीम दोनों के लिए डेब्यू करने के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली सबसे कम उम्र की ऑस्ट्रेलियाई हैं। वह आईसीसी और फीफा वर्ल्ड कप दोनों खेलने वाली पहली खिलाड़ी हैं। एलिस पेरी एक शानदार ऑलराउंडर हैं जिन्हें बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों में महारत हासिल है और उनका असर भी हमें वुमेन आईपीएल 2024 में देखने को मिला है। हालांकि उनके क्रिकेट करियर की तरह उनका निजी जीवन इतना शानदार नहीं रहा। उनके निजी जीवन में कई मुश्किलें आईं, हमेशा वह उतार चढ़ाव से गुजरती रहीं। पति ने उनका तलाक केवल 5 सालों की शादी के बाद ही हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज हर एक महिला के लिए पेरी एक मिसाल बन चुकी हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एलिस पेरी क्या बेंगलुरु को पहली बार वुमेन आईपीएल की चैंपियन बना पाएंगी या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु इस बार वुमेन आईपीएल जीतेगी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।